धर्म प्रेमी सज्जनों माताओं एवं प्यारे प्यारे बच्चों सुख से कैसे रहें एक प्रश्न होता है सुख से कैसे रहें बहुत से लोगों के मन में एक उत्तर आती है सुख से रहेंगे जब हमारे पास में मकान हो अच्छे से गाड़ियां हो बंगला हो नौकर चाकर हो के साथ में प्यार से बात करेगा माता पिता को आदर सम्मान देगा लेकिन अपनी महानता नहीं समझता है अपना मूल्य अपना वजूद खो चुका है इसलिए आदमी को सुख और शांति नहीं मिल पाती है अगर पैसा से सुख मिलता तो बड़े बड़े लोग हैं हमारे देश की राजधानी दिल्ली जैसे जगह में जा के कोई करोड़ रुपया ले ले और हर दुकान में जा के कहे भैया मुझे एक तोला सुख दे दो मैं एक करोड़ रुपया दूंगा जितने दुकान में जाएंगे सारे दुकान वाले कहेंगे कहीं आदमी पागल तो नहीं हो गया है पैसा से सुख खरीदना चाहता है और वो पागल कोई और नहीं अस्सी नब्बे प्रतिशत लोग वो पागल हैं वही पैसा, पैसा के लिए भाई और भाई लड़ते हैं तो वही पैसा, पैसा के लिए देरान और जेठान लड़ते हैं वही पैसा के लिए पड़ोसी के साथ लड़ते, लड़ते तो हैं और वही पैसा, पैसा के लिए माँ बाप को वजित खो देते हैं माँ बाप को आदर नहीं दे पाते हैं और वही पैसा के लिए माँ बाप अपने बेटा को प्यार नहीं दे पाते हैं पैसा की तो लड़ाई है अगर पैसा से सुख मिलता तो हमारे भारत देश में विरक्त संत नहीं होते घर परिवार को छोड़ करके नहीं जाते अगर पैसा से सुख मिलता तो यदि पैसा से सुख मिलता तो आपके बीच में मैं नहीं बैठा रहता कहीं पैसा के तलाश में होता पैसा बहुत जरूरी है इसका मतलब नहीं है नहीं जरूरी है लेकिन उससे ज्यादा कहीं महत्वपूर्ण है हमारे जीने की तरीका हम कैसे जीते हैं क्या हमको जैसा जीना चाहिए वैसे जी पाते हैं क्या हमको जैसे रहना चाहिए वैसा रह पाते हैं पड़ोसी के साथ वैसा बर्ताव करते हैं पत्नी के साथ वैसा वर्ताव करते हैं देरान जेठान के साथ माँ बाप के साथ क्या वैसा वर्ताव करते हैं जो मैं अपने आप से प्रश्न करूँ कि मुझे जैसा जीना चाहिए मैं एक बेहतरीन जीवन जीता हूं क्या उत्तर में मिलेगा हमको हाँ और नहीं तो फिर हम सफल जीवन नहीं जीते हैं पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है जीवन के लिए पैसा है चाहिए लेकिन उद्देश्य होना चाहिए शांति से प्रेम से उत्साह के साथ और अपने अभिमान के साथ जीना चाहिए अपना व्यक्तित्व का निर्माण ऐसा होना चाहिए कि सर झुकाना ना पड़े एक बहद साहत की जिंदगी जीना चाहिए मरे मरे, मरे जिए तो ये जिंदगी नहीं है सिकवा और शिकायत भरे जिंदगी जिए तो ये जिंदगी नहीं है ये तो बस जीवन को घसीटना है हमको जीवन को घसीटना नहीं है जीवन को आगे बढ़ाना है प्रकृति से हमको शरीर मिला है मां बाप से शरीर मिला है और लेकिन जीवन हमको कहां से मिलता है जीवन हमको खुद बनाना पड़ता है जीवन का उद्धार खुद को करना पड़ता है हमको अपना ही शिल्पकार खुद बनना है हमको अपने ही शरीर को छिलना है अपने ही शरीर को गढ़ना है अपने ही शरीर को मांजना है अपने ही शरीर को संवारना है अब गढ़ना छीलना संवारना मांजना ये क्या चीज है किसी के प्रति राग नहीं किसी के प्रति द्वेष नहीं किसी के प्रति कल्पना नहीं किसी के साथ अनादर का भाव नहीं सबके साथ प्रेम से जहाँ चार बर्तने होती है वहाँ बर्तनों में आवाज़ आ जाती है टकराहट की लेकिन वो आवाज़ कुछ देर में समाप्त हो जाती है लेकिन जहाँ चार परिवार है वहाँ आवाज़ तो उठती है लेकिन आवाज़ लंबे समय तक चलती है यही अज्ञानता है कभी आवाज उठी उन आवाजों को दबाना है दबाना है मतलब समाधान करना है आवाज उठी उसका समाधान क्या होना चाहिए अगर गलती नहीं है तब भी कभी माफी मांगने का अवसर आए तो झुक जाने से कौन सा हमारा नुकसान होता है झुकता वही है जिसमें जान होती है अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है झुकता वही है जिसके अंदर गंभीरता होती है झुकता वही है जिसके अंदर आत्मविश्वास होता है जो जीने का तरीका जानता है एक हौसला बुलंद कर लेता है वही व्यक्ति साहसी आदमी झुक सकता है नहीं तो बाकी सिर्फ सीधे सीधे जंगल में सीधे सीधे पेड़ रहते हैं वो कट जाया करते हैं वो पेड़ नहीं रहा करता है जितने सीधे सीधे होते हैं अकड़े रहते हैं वो सीधा कट जाया करते हैं अकड़ने वाले आप प्रेम से नहीं जी सकते जो आदमी अकड़ करके चलता है उनको उनके ही बच्चे सम्मान नहीं देते हैं उनके ही परिवार के सदस्य सम्मान नहीं देते हैं उनके ही पत्नी उनके ही बच्चे उनके ही माँ बाप प्यार से बात नहीं करना चाहते हैं इसीलिए प्रेम से जीना है संपत्ति के एक दायरा है संपत्ति कमाना है धन दौलत कमाना है लेकिन धन दौलत में इतना चूर ना हो जाए कि हम अपना व्यक्तित्व है उसको भी खो बैठे जो हमारा परिवार का रिश्ता है उसको भी हम खतर कर दे संपत्ति के लालच में आकर के तो फिर वो जीने की बादशाहत खत्म हो जाएगी वो जीने की रौनकता खत्म हो जाएगी वो जो आनंद है जीने में वो जीने में आनंद नहीं रहेगा फिर इसलिए के साथ प्रेम से जीना है उत्साह के साथ जीना है गमगीन जिंदगी गाल फुला करके जिंदगी जीना ये मजे की जिंदगी नहीं है जितना हो सके प्यार बांटना है जितना हो सके लोगों को उत्साहवर्धन करना है किसी ने कहा है लगा सको तो बाग लगाओ आग लगाना मत सीखो मार सको तो मन को मारो प्राणी मारना मत सीखो जला सको तो दीप जलाओ दिल जलाना ना सीखो कमा सको तो पुण्य कमाओ पाप कमाना मत सीखो इतना ही यदि जीवन में आ जाए ना तो जीवन का उद्धार हो जाएगा हम बाग तो नहीं लगा पाते हैं लेकिन आग जरूर लगा लेते हैं दीप तो नहीं जला पाते हैं किसी के अंदर ज्ञान का दीप तो प्रज्वित नहीं कर पाते हैं लेकिन सबके अंदर में अज्ञानता रूपी दीपक जरूर जला देते हैं आग जरूर लगा देते हैं वो ऐसे हैं ये ऐसे हैं इसका शिकायत उसका शिकायत शिकायत भरी जिंदगी से प्रेम और उत्साह का पदार्पण नहीं होता है जहां दुख दुख लगता है जीवन में कष्ट कष्ट लगता है वहां भी कहीं कहीं हमको एक अवसर मिलता है जिंदगी में यू टर्न लाने का आप देखे होंगे रेगिस्तान में जब चलते हैं तो रेगिस्तान में रेत ही रेत दिखाई देता है पूरा लेकिन वहां भी कहीं कहीं कटिले झाड़ मिलते हैं जहां छाया में बैठ करके सुकून महसूस करते हैं Luc जब समुद्र में चलते हैं तो समुद्र में खारे ही खारे पानी है लेकिन वहां भी मीठे पानी का स्रोत होता है जो समुद्र में समा समा जाता है वो पानी मीठे पानी का स्रोत जब काले बादल छाए हो बरसात का मौसम हो और काले बादल छाया हो वहां ऊपर एक नजर उठा करके देखें तो, तो वहां कहीं कहीं परछाई सफेद की परछाई दिखाई देती है क्या है ऐसे ही दुख भरे जीवन में सुख का स्रोत है ऐसे ही जहां तू तू मैं है वहां वहां भी प्रेम से हम मुस्कुरा सकते हैं उत्साह से जी सकते हैं और अपना हौसला बुलंद कर सकते हैं एक छोटी सी जिंदगी है बहुत बड़ी जिंदगी नहीं है हमारी कौन जाने किस वक्त मौत आ जाए कोई नहीं जानते हैं और इस छोटी सी जिंदगी में किनके किन, किन 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 लोगों के साथ में वैर करेंगे किन किन लोगों के साथ में ये वैर करना ये अज्ञानता का स्वरूप है गाल फुलाना ये अज्ञानता का स्वरूप है जितना ही हम एक दूसरे से वैर का भाव रखते हैं उतना ही हम अंदर से जलते हैं अंदर से उतना ही पीड़ित तो होते हैं हम और जितना ज्यादा पीड़ित तो होते हैं उतना हमारे अंदर एक बखलाहट आती है एक नियम है हम किसी के खुशी में देख करके पीड़ित तो होते हैं तब भी बखलाहट आएगी और किसी के विकास में देखते हैं तब भी हमारे अंदर बखलाहट आएगी अगर मन शांत नहीं है तो हम एक दूसरे को देख करके जितना जलते जाएंगे उतना ही हमारे अंदर एक बखलाह टूटता जाएगा और वो विचलित मन ना जाने कि इनके साथ कैसा व्यवहार करेगा उस समय अगर एक बच्चा भी आकर के प्यार से पूछता है मम्मी ये सामान कहां पर है तो वहां पर भी उनको प्यार से उत्तर नहीं देंगे डांट देंगे तुरंत डांटेंगे तुम चुप रहो ऐसी जिंदगी नहीं जीना है आपके परिवार बहुत लंबा परिवार है बहुत कम ऐसे परिवार होते हैं इतने लंबे परिवार और इस परिवार में आप लोगों को एक ऐसा जीवन जीना चाहिए कि आसपास के लोग पड़ोसी लोग महसूस कर सके कि वास्तव में परिवार तो बड़ा है लेकिन खलबलाहट नहीं होती है संपत्ति का तो बंटवारा हुआ लेकिन आपस में जो प्रेम है वो बना हुआ है प्रेम का बंटवारा नहीं किए लोग ये सबसे बड़ी विशालता है ये चीज कहना चाहिए कभी प्रेम को बांटने का प्रयास मत करिएगा आप लोग कभी उत्साह को बांटने का प्रयास मत करिएगा प्रेम और उत्साह को बांटना मतलब एक दूसरे से गाल फुला लेना प्रेम को जितना ही बढ़ाया जाए लोगों को परोसा जाए बांटना अलग चीज होता है परोसना अलग चीज होता है प्रेम उतना ही बढ़ता जाता है गणित के सूत्र के हिसाब से यदि आपके पास में पचास रुपये है पचास रुपये में पच्चीस रुपया किसी को देते हैं तो आपके पास पच्चीस रुपया ही बचता है लेकिन अध्यात्म के सूत्र के हिसाब से यदि प्रेम को आप बांटते जाते हैं तो प्रेम और चौगुना बढ़ता चला जाता है मन की मुस्कुराहटे मन की जो प्रसन्नता है उसको अगर बढ़ाते चले जाते हैं तो और बढ़ता चला जाता है और जितने लोगों से मिलते जाते हैं उतना ही गणित के हिसाब से अध्यात्म के गणित के हिसाब से उतना ही वह घर स्वर्ग बन जाता है वही घर में स्वर्ग है सप्ताह में सात बार होता है सोमवार से लेकर के रविवार तक लेकिन उससे कहीं बड़ा वार होता है वो होता है परिवार अब परिवार उसे कहा जाता है जहाँ आपस में ईटिंग और मीटिंग एक साथ होता हो ईटिंग और मीटिंग उसे कहते हैं ईटिंग और मीटिंग कोई भी काम करना है उसके पहले चर्चा कर लेना है आपस में और ईटिंग एक साथ बैठ करके भोजन करना है उस घर का माहौल अलग होता है उस घर के बच्चे संस्कारी होते हैं आखिर इतना संपत्ति इकट्ठा करते हैं इतना परिवार है वो किसके लिए है वो संपत्ति अंतिम में किसका काम आता है हमारी अवस्था चालीस साल पचास साल साठ साल की होती चली जाती है अंतिम में किसके लिए करते हैं सारा चीज़ बच्चों के लिए और बच्चों को सिर्फ संपत्ति दे दिए और संस्कार नहीं दिए तो कोई मतलब नहीं किसी ने कहा है पुत सपुत का धन संचय और पुत कपुत का धन संचय दोनों ओर से कहते हैं यदि आपके कमाने के बाद में खाते हैं और खाने के बाद में जो सहज बज जाता है वो संपत्ति संपत्ति है यदि उसी में अपना जीवन झोंक देते हैं तो आप सफल नहीं हैं तो कहते हैं यदि आपका पुत्र सपुत्र है तो उसकी चिंता मत करो जो सहज इकट्ठा हो रहा है इकट्ठा होने दो लेकिन उसके लिए ज्यादा लूट इकट्ठा करने के मत सोचो क्योंकि तुम्हारा पुत्र सपुत्र है वो योग्य व्यक्ति है वो आगे बढ़ करके अपना जीवन यापन कर लेगा आप उनको सिर्फ एक संस्कार दो बस संस्कार दो यदि पुत्र कुपुत्र निकला तो उसके लिए भी चिंता मत करो तुम जितना इकट्ठा करोगे वो शराब कबाब में और जुआ में बर्बाद कर देगा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो है बच्चे को संस्कार देना पैसा देना महत्वपूर्ण तो नहीं है पैसा तो बहुत लोग दे देते हैं लेकिन संस्कार कोई कोई दे पाते हैं और जिस घर के बच्चे संस्कारी होते हैं उस घर के बुजुर्गों को बाद में बुढ़ापा में वो सुख चैन की जिंदगी जीते हैं एक प्यार की जिंदगी जीते हैं एक स्वर्ग की जिंदगी जीते हैं वह घर का माहौल अलग होता है इसलिए बच्चे को धन दौलत नहीं मोबाइल कार नहीं संस्कार चाहिए यदि आप दे सकते हैं आपके पास संपत्ति है तो दीजिए लेकिन उससे ज्यादा कहीं जरूरत है संस्कार की जरूरत है ये भारत ही एक ऐसा देश है जिसको पूरा विश्व धर्म गुरु मानने के लिए तैयार है और ये भारत ही एक ऐसा देश है जहां बुद्ध कबीर ईसा मोहम्मद राम कृष्ण महावीर ऐसे लोग हुए हैं उन महापुरुषों के आदर्शों को लेना है जीवन में बस, बस मैं एक सूत्र दे रहा हूं प्रेम से जीना है बस और कुछ नहीं चाहिए जीवन के लिए बहुत बड़े गाड़ी हो बंगला हो पैसा हो ये सहज हो तो ठीक है नहीं तो प्रेम से एक आदमी झोपड़ी में भी रह करके जी लेता है शहरों में जाते हैं तो रोड किनारे रोड किनारे तंबू बना करके आदमी जीवन यापन कर लेते हैं जीवन बीत जाता है दिन भर काम करते हैं रात में खाते हैं जैसे सोते हैं नींद लग जाती है लेकिन जिसके पास बहुत पैसे हैं रात में सोते हैं करवटे बद, बद, बदलते रहते हैं करवटे बदलते रहते हैं नींद नहीं आती है नींद की गोलियां लेते हैं तब भी नींद नहीं आती है क्या मतलब वो पैसा से कुछ लोग बिस्तर से उड़ते हैं तो पेट के लिए पेट के लिए बिस्तर से उठ करके लग जाते हैं सुबह से और कुछ लोग ऐसे भी लोग हैं जो बिस्तर से उठते ही वो भी पेट के लिए लग जाते हैं सुबह से अब दोनों में अंतर क्या है एक है पेट को भरने के लिए लगता है दो वक्त की रोजी चाहिए रोटी के लिए बिस्तर से उठ करके चला जाता है मैदान में कहीं कुछ मिल जाए काम मिल जाए पेट मेरा भर जाए दो वक्त की रोटी चाहिए मुझे उसके लिए वह लगता है और एक बड़े आदमी है जब बिस्तर से उठता है तो भोजन पचाने के लिए मैदान में जाता है लेकिन मैं समझता हूं वो आदमी अच्छा है जो बिस्तर में जाते ही करवटे नहीं बदलना पड़ता है उनको नींद लग जाती है वो आदमी अच्छा है बहुत पैसा वालों की नींद जल्द जल्दी नहीं लगती है और जो बहुत ज्यादा उलझा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा राग और द्वेष में पड़ा रहता है उस व्यक्ति की भी नींद नहीं आती है क्योंकि जैसे बिस्तर में जाता है सोचता है वो आदमी ऐसा है ये आदमी ऐसा है इसने ऐसे बोला उसने ऐसे बोला इतना कबाड़ भर के रखता है अपने जीवन में पूरा कबाड़ बना लेता है जीवन को फिर व्यवस्थित जीवन नहीं है वो उदाहरण दू मैं जैसे आपके घर में अभी छत में कपड़ा सूखा है और छत में कपड़ा सूखा है उस कपड़ा को आप लाते हैं और ला करके आलमारी खोलते हैं और आलमारी खोल करके जैसे पेरा को ठूस करके भरते हैं वैसे पेरा कपड़ा को ठूस करके भर देते हैं एक वो तरीका है कपड़ा रखने का लेकिन उसी कपड़ा को आप लाते हैं बिस्तर में रखते हैं स्पेशल साइज से लगाते हैं और तह करके रखते जाते हैं उसके बाद उसको आलमारी में रखते हैं कोई भी आदमी देखता है लगता है कोई अच्छा आदमी रखा है कपड़ा को व्यवस्थित ढंग से रखा है क्या हम अपने जीवन को पैरा की तरह तो नहीं ठूस रहे हैं इनसे देश उनसे देशे ऐसे हैं वो ऐसे च्णौण है। च्णौण हैं मुझे इसने नहीं दिया वो इसने नहीं दिया मुझे इसने गाली दिया इसने गाली दिया फिर वो जिंदगी में रौनकता खत्म हो जाती है वो बादशाहत खत्म हो जाती है जो जीना चाहिए वो जिंदगी नहीं जी पाते हैं फिर शिकायत भरी जिंदगी जब से जन्म लिए हो संभाले तब से शिकायत 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 मरते दम तक शिकायत फिर जिंदगी को क्या कहते हैं जीना नहीं इसे घसीटना कहा जाता है जिंदगी को जीना है घसीटना नहीं है और जिंदगी जीने के लिए मैं पहले ही कहा इसके लिए बहुत बड़े आदमी होने की जरूरत नहीं है बहुत पैसा वाले की होने की जरूरत नहीं है बहुत पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है जिंदगी को जीने के लिए सिर्फ समझदारी चाहिए बहुत से लोग हैं जिनके पास बहुत कम पैसा है गरीब है लेकिन समझदारी है बहुत अच्छा से जीते हैं साधु हो जाते हैं बहुत लोग उनके पास पैसा नहीं है तो भी जी जाते हैं अच्छा से गरीब है तो भी जी जाते हैं अच्छे से समझदारी हो जाती है समझदारी के अभाव में अपना बेजगाना लगता है समझदारी के अभाव में अपने ही लोगों से हम मोह मोड़ लेते हैं समझदारी के अभाव में अपने ही भाई से बात नहीं करना चाहते हैं अपनी ही देरान जिठान से बात नहीं करना चाहते हैं जिसके कोक से जन्म लेते हैं उस मां बाप को सम्मान नहीं देना जानते हैं उनसे भी मोह मोड़ लेते हैं ये समझदारी नहीं है समझदारी है प्रेम से जीना एक बहन करीब करीब चालीस वर्ष की अवस्था होगी एक बुढ़िया मां को प्यार से नहला रही है बुढ़िया माँ की स्थिति थी नब्बे वर्ष की अवस्था लगभग और शरीर इतना कोमल इतना नाजुक हो चुका था जैसे जोर से पकड़ा जाए हाथ को तो हाथ की चमड़ी छिल जाए इतना नाजुक हो चुका था उसको बड़े ही प्यार से बड़े ही स्नेह से एक बहन नहला रही थी उसको एक संत देखे तो पूछते हैं बहन बड़े प्यार से नहला रही हो क्या तुम्हारी मां है वो बहन कहती है नहीं संत जी मेरी मां नहीं है संत को आश्चर्य लगा मां नहीं अब इतना स्नेह से तो कौन है संत जी पूछते हैं बहन कहती है मेरे मां से बढ़कर की है संत को और आश्चर्य लगा मां भी नहीं है और मां से बढ़कर के और कौन सा रिश्ता हो सकता है आप लोगों को भी आश्चर्य लग रहा होगा ऐसे कौन सा रिश्ता है जो मां से भी बढ़कर के रिश्ता है संत जी पूछते हैं आखिर है, है कौन तुम इतना प्यार से इतना स्नेह से इतना भावपूर्वक नाला रही हो आखिर है कौन बहन कहती है संत जी ये वो मां है जिसके कोख में, में मेरा सुहाग पला है देखिए वो बोल तो सकती थी मेरी सासू माँ है लेकिन अपने भावनाओं को व्यक्त करती है उनके अंदर जो गंभीरता है जो उनके अंदर भावना है जो श्रद्धा है माँ के लिए उनको व्यक्त करती है वो कहते हैं संत जी वो ये वो माँ है जिसके कोख में, में मेरे सुहाग पला है और जिसके बदौलत आज मैं इस घर में टिकी हुई हूँ क्या इतना प्यार सासू माँ से होता है अगर ऐसा हो तो उस घर में द्वेष होगा क्या ऐसा हो उस घर में लड़ाई होगा ऐसे घर को स्वर्ग कहा जाता है ये प्यार चाहिए और वो प्यार बहू को भी करना चाहिए और वो प्यार मां को भी देना चाहिए सासू मां को कि वास्तव में सासू मां को लगे कि मेरी बेटी है ये और उनको भी लगे कि मेरी माँ है इतना प्यार करती है ये जरूरत है जीवन में अगर ये नहीं हुआ तो फिर गाल फुला करके जिंदगी जीना बहुत लोग जीते हैं वो जिंदगी को जीते हैं, नहीं है जिंदगी को घसीटते हैं पहले ही कहा एक और घटना बताऊं एक बुढ़िया जर्जर अवस्था में थी उसकी बेटी रोज उसको उसकी सासू मां अपनी सासू मां की रोज सेवा करती थी एक दिन अपनी बेटी से मिलने के लिए उनकी माँ आती है दिखती है अपने सासू माँ को इतना प्यार से नहला रही है प्यार से सफाई कर रही है और उस माँ की अवस्था क्या थी सासू माँ की बेड रेस्ट सिर्फ बेड में ही चट्टी पेशाब सब कुछ उसको बड़े स्वच्छ और साफ ढंग से रखी थी उनकी माँ आकर करके पूछती है बेटी तुम इतना करती हो तो तुमको क्या गंध नहीं आती है पहली बात तो उनको ऐसे प्रश्न ही नहीं करना चाहिए था आखिर उनकी सासू माँ है उनके साथ इनको जीवन काटना है उनके साथ उनको जीना है जीवन भर जब तक सासू माँ है तब तक पहली बात तो उनकी माँ को ऐसे प्रश्न ही नहीं करना चाहिए था लेकिन माँ से प्रश्न करती है माँ उनसे प्रश्न करती है तुमको तो गंध नहीं आती है तो बेटी भी क्या गजब के उत्तर देती है माँ गंध नहीं आती है इसमें सुगंध आती है घी की सुगंध आती है टट्टी पेशाब साफ करती हूं तो मुझे घी की सुगंध आती है माँ को बड़ा आश्चर्य लगा बेटी तू क्या बोल रही है तब बेटी बताती है माँ जब मेरी शादी होकर के आई थी तो करीब करीब मुझे दो माह बस हुआ था और दो माह हुआ था उसी समय घी का भरा घी से भरा हुआ घड़ा मक्खन मैं पकाई मक्खन पकाने के बाद में घी से भरा हुआ घड़ा मैं उठा रही थी करीब करीब वह घी बीस किलो था उस घड़ा में घी लेकिन उठा रही थी मेरे हाथ से छूट जाता छूट गई वो घड़ा और छूटने के बाद में घी बह जाता है लेकिन मेरी माँ आती है मेरी माँ आती है मेरी सासू माँ आती है तो ये पूछती है बेटी तुमको कहीं चोट तो नहीं लगी कहीं जला तो नहीं ये नहीं कहती है कि तुमने घी को बर्बाद कर दिया घी पूरा बर्बाद चला गया ये नहीं कहती है बल्कि ये कहती है तुमको कहीं जला तो नहीं कहीं चोट तो नहीं लगा माँ वो दिन जब जब, जब याद आती है तब तब मुझे मैं अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ मेरा आंखें आंसू से भर जाता है इसलिए माँ जब जब मैं टट्टी और पेशाब साफ करती हूँ सासू माँ की तो मुझे दुर्गंध नहीं मुझे वो भाव है वो ये दिन याद है इसलिए मुझे सुगंध आती है क्या इतना प्यार घर में होता है होता है ये हकीकत घटना है जो बता रहा हूं मैं कहानी नहीं है अभी एक जगह है मुरा, वहाँ देरान और जेठान है देरान और जेठान कभी भी तीज जाती है तो पहले एक के घर जाती है दोनों जने तब दूसरे के घर जाती है हालांकि दोनों घर तीन तीन देर रहे लेकिन जाएंगे दोनों एक साथ ऐसा भी घर है आज भी भारत में इसलिए भारत धन्य वो भारत है जहां ऐसे महापुरुष लोग हुए हैं अधिकतम घरों में लड़ाई होती है तो संपत्ति के लिए लड़ाई होती है अंततः हो संपत्ति जहां का तहां रह जाते हैं और हम आपस में टूट जाते हैं बिखर जाते हैं घर बेघर हो जाते हैं फिर वो जीने का रौनकता खत्म हो जाती है इसलिए संपत्ति हो तो आपस में सलाह करना है प्यार से बांटना है प्रेम टूटने ना पाए प्रेम बिखरने ना पाए आपस का जो प्यार है वो टूटने ना पाए आपस का जो सम्मान है वो टूटने ना पाए घर के लोगों में एक सुगंध आना चाहिए एक जैसे लगना चाहिए हम लोग आपस में एक ही परिवार के लोग हैं अलग, अलग अलग परिवार नहीं है मैंने कहा सात वार के बाद आता है परिवार और जिस घर में ईटिंग और मीटिंग एक साथ होता है वह घर स्वर्ग समान है संपत्ति का बंटवारा हो लेकिन माँ बाप के प्रति जो आदर और भाव का आदर भाव और सम्मान का जो होना चाहिए उसका बंटवारा ना हो संपत्ति का बंटवारा हो लेकिन घर के बच्चों में ये मेरे बच्चे नहीं है उनके बच्चे हैं इसका बंटवारा नहीं होना चाहिए बच्चे जिनके यहाँ गए उन्हीं को दो वक्त की उन्हीं को दो उनको दो रोटी दे दो प्यार से खा लेगा क्या चाहिए बच्चे को प्यार चाहिए आपके घर में बच्चे गए आपने भोजन दे दिया आपके बच्चे नहीं है पर भी आपको प्यार से माँ और बड़ी माँ चाची करके पुकारते हैं तो कितना अच्छा लगता है वो दिन और आपके ही बच्चे आपके ही भाई के बच्चे हैं आपसे बात नहीं करेंगे आपको उनके ही माँ बाप सिखा देंगे उनसे बात मत करना तो संस्कार क्या लेकर के जाएगा इसलिए संस्कार ऐसा दीजिए आपस में प्रेम से ऐसे रहिए कि वास्तव में महसूस हो कि जो जिंदगी जीना चाहिए वो हम सब जी रहे हैं बहुत बेशकीमती जीवन है जितना दिन आपके पास समय है उस समय को ऐसे गुजारिए कि अपने आप में बखुलाहट हाँ नहीं होना चाहिए अपने आप से एक प्रश्न करिएगा आप कि मुझे जैसा जिंदगी जीना चाहिए क्या मैं जी पा रहा हूं आप अपने आप से प्रश्न करिएगा यदि सही उत्तर आए कि वास्तव में मुझे जैसे जीना चाह रहे हैं वैसे जी रहे हैं तो सफल व्यक्ति है बच्चों को संस्कार ऐसे दीजिए कि बच्चे भ्रम मान्यताएं में ना पड़े संस्कार ऐसे दे कि बच्चे को भ्रम ना हो सही सही बात बताएं। आपको ये भी चीज बता दूं कि दुनिया में कोई देवी देवता नहीं है घर के सदस्य घर के बड़े बुजुर्ग ही असली देवी देवता हैं और ये भारत की संस्कृति इतनी अच्छी होती हुई भी अब इतनी असभ्य हो गई है कि जो खाते हैं उनका अन्न छीन लिया जाता है और जो नहीं खाते हैं उनको भोग चढ़ाया जाता है घर के माता पिता घर के सदस्य घर के बच्चे ही असली गुरु हैं और असली भगवान हैं एक गुरु तो चाहिए जो प्रेरणा स्रोत हो जिनके मार्गदर्शन पर चल के हम अपने जीवन को बदल सके और जीवन में परिवर्तन ला सके वो तो चाहिए लेकिन असली माता पिता घर के सदस्य हैं बाहरी बाहरी जो भगवान है वो तो हमने बनाया है अपने हाथ का निर्माण है वो और भारत एक ऐसा देश है जहां भगवान बनाने की कारखाना है आप यहां से चले जाए ये जयपुर जयपुर में पत्थर का पत्थर का कारखाना है जहां लाल पत्थर निकलता है और लाल पत्थर निकलता है वहां इतने भगवान बनते हैं इतने भगवान बनते हैं पूछिए मत इतना बड़ा देश है इसलिए भारत भगवान बनाने का कारखाना हो गया है आपके गांव में ही जितने मंदिर होंगे और जितने उतना हॉस्पिटल नहीं होगा उतना स्कूल नहीं होगा क्योंकि एक बिजनेस चल चुका है ये इसलिए बाहर भगवान के भरोसे नहीं बैठे रहना है बाहर भगवान हमने बनाया है असली भगवान की पूजा है उनके दिव्य है पद कमलों पर चढ़ना सबसे बड़ी भगवान को मानने की तरीका यही है स्पष्ट उदाहरण बताऊं मैं जैसे घर के कोई सदस्य हो और घर के सदस्य हो उनके दो बेटे हैं और दो बेटे में एक बेटा करता क्या है अपने माता पिता का फोटो रख लिया घर में और उसका रोज पूजा करता है आरती करता है हार चढ़ाता है भोग लगाता है एक बेटा ये काम करता है रोज उनके फोटो के सामने नतमस्तक होता है मत्था टेकता है ये काम कर रहा है एक बेटा और एक बेटा क्या करता है फोटो नहीं रखा है आरती पूजा नहीं करता है फोटो का बल्कि वो जीवत भगवान है माता पिता उनका आदर सम्मान करता है उनके सामने चरणोदा को लेता है चरणों के सामने झुक जाता है और माँ बाप को प्यार देता है तो कौन भगवान असली है कौन बेटा असली है जो पूजा कर रहा है कि जो नहीं कर रहा है वो नहीं कर रहा है जो भोजन कराता है प्यार से माँ बाप को सम्मान देता है वो बेटा असली है इसीलिए मैं कहा कि बाहर भगवान को आप पूछते हैं आपकी श्रद्धा है लेकिन उससे कहीं ज्यादा है माँ बाप के कहे हुए रास्ते पर चल रहा है वो बेटा योग्य है यही मैं कहना चाह रहा हूं कि जो भगवान हम मानते हैं जिसको इष्ट मानते हैं जिसको महापुरुष मानते हैं उनके रास्ते पर मार्गदर्शन पर चलना ये सबसे बड़े पूजा है इससे बढ़कर की पूजा और कुछ भी नहीं हो सकता है घंटा बजाना माला फेरना ये तो औपचारिकता है लेकिन ये मूलतः चीज नहीं है ये वस्तुतः चीज है जो मार्गदर्शन महापुरुष दिए हैं उस मार्ग पर चलना आज, आज कबीरपंथ में बहुत सारे कबीरपंथी अनुवायी ये भी मानते हैं कि कबीर कबीर जपने से मुक्ति मिलेगी बिल्कुल झूठ बात है बहुत से कबीरपंथी अनुयायी मानते हैं हम भी कबीरपंथी हैं लेकिन हम ये चीज नहीं मानते हैं क्योंकि सदगुरु कबीर साहब ने यह सिख नहीं दिया है अगर कबीर कबीर जपने से मुक्ति मिलती तो सदरु कबीर साहब क्या कहते हैं राम के कहे जगत गति पावे खाण कहे मुख मेठा भोजन के कहे भूख जो भाजे तो दुनिया तरी नर के संग सुहा प्रताप न जाने यदि कबीर कबीर कहने से एक उदाहरण दिए तो सदरु कबीर साहब उदाहरण देते हैं उस समय राम नाम का जप चलता था तो कहते हैं यदि राम राम जपने से मुक्ति मिल जाती तो भोजन भोजन कहने से आपका से, पेट भर जाना चाहिए वो प्रश्न करते हैं यदि राम राम कहने से मुक्ति मिलती है तो भोजन भोजन कहो आपका पेट भरे तो मैं मान जाऊंगा कि राम राम कहने से मुक्ति मिली और खाण कहे मुख मीठा खाण मतलब चीनी 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 कहो आपका मुख मीठा हो जाना चाहिए आप लोग करके देखिए एक बार यदि मीठा हो जाए तो मैं कहूंगा कि राम, राम राम कहने से मुक्ति मिल जाएगी फिर सदरु कबीर साहब कहते हैं नर के संग सुवाहरी बोले आदमी के संग में सुहा सुहा मतलब तोता तोता भी हरी हरी बोलता है राम राम बोलता है लेकिन कभी वो जंगल में उड़ गया तो लौट करके फिर नहीं आता है हरी का जाप करने के लिए क्योंकि वस्तुता वो चीज नहीं है इसलिए कबीर कबीर जपने से मुक्ति नहीं मिलेगी बल्कि उनके दिव्य रास्ते पर चलने से मुक्ति मिलेगी सदर कबीर साहब के पूजा मत करो चलेगा लेकिन उसके दिव्य रास्ते पर चलो सबसे बड़ी पूजा यही है मैं घर में था तो मैं सोचता था कि कबीरपंथी लोग कुछ नहीं मानते हैं भगवान देवी देवता किसी को नहीं मानते हैं मैं यही सोचता था जब इलाहाबाद में गया वहां देखा इतने सारे ग्रंथ है पर, 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 सब सब पर लिखा और देखा तब जाना कि वास्तुता असली भक्त यही है जो उनके दिव्य मार्गों पर चलते हैं बल्कि पूजा और टंट घंट और कर्म कांड पर नहीं पढ़ते हैं कर्म का एक चीज और कर्मकांड किसे कहते हैं कर्मकांड उसे कहते हैं जो कि बाहर से किया जाता है लेकिन अंदर से वो चीज नहीं होता है जैसे मैं पूजा करूँ कबीर साहब का पूजा बस करूं और जीवन में आचरण ना करूं कबीर साहब के बातों को तो ये कर्मकांड कहलाएगा यहाँ सत्संग कर रहे हैं और सत्संग के बदौलत इस जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा है तो इसको भी मैं कर्मकांड कहूंगा मैं एकदम शुद्ध साफ अर्थ बता रहा यदि सत्संग से जीवन में परिवर्तन नहीं आया आप लोग बैठे हैं मेरे बातें आप सुने आपको अच्छा लगा लेकिन जीवन में थोड़ा भी आपने परिवर्तन करने का प्रयास नहीं किया तो सबके सब, सब यहाँ कर्म कांड करने के लिए बैठे हैं और कर्म कांड से उत्थान नहीं होता है कर्म कांड से विकास नहीं होता है कर्म कांड से आदमी बनता चला जाता है एक लत बढ़ती है बस मुझे पाठ करना है मतलब करना है कर्म कांड है अगर पाठ करने से मन शांत होता है अच्छी है उसके बाद उसके जि... क्या कहना चाहते हैं पाठ के माध्यम से उनको जीवन में आचरित करें यह है जीवन का उत्थान इसलिए कर्म कांड में नहीं पढ़ना है कुल मिलाकर के वस्तुता चीज मूल बातें में हूँ कि कहीं बाहर देवी देवता नहीं है घर के सदस्य ही असली देवी देवता है बाहर भटकना नहीं है और कर्मकांड में नहीं पढ़ना है आज भी बहुत से कबीरपंथी कर्मकांड में पड़े हुए हैं और कबीर साहब का जप करने के लिए कहते हैं कबीर साहब का जप करो यहाँ ये पूजा कराओ ये कराओ और इतना कलश जलाओ ये करो वो चीज हम नहीं मानते हैं आप लोगों को बुरा लग रही हो तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ ज्योति जलाने से अच्छा, अच्छा है, है एक आदमी गरीब, गरीब है उनको ज्योत जलाने से अच्छा गरीब आदमी को तेल दे दो वो अच्छा वो वो है थोड़ा औपचारिकता है थोड़ा देर के लिए जला दे वो, वो कोई बुरा नहीं है एक सिस्टम है वो बुरा नहीं है लेकिन अखंड ज्योत जलाते रहे कई कलश जलाते रहे ये तो हमको उचित नहीं लगता है गुरु का आज्ञा ही सर्वप्रिय है और गुरु का आज्ञा गुरु आज्ञा मतलब गुरु कह दिए ज्योत जलाए मतलब जलाए ना गुरु आज्ञा नहीं हो सकता है गुरु आज्ञा उसे कहते हैं जो दो और दो चार कोई भी बताते हो वो गुरु आज्ञा है और दो और दो छ कोई भी बताए चाहे कितने बड़े ब्रह्मांड नायक ना हो सही नहीं हो सकता है इसलिए सही बात को परखना है सदगुरु कबीर साहब कहते हैं सुनिए सबकी निबेरिए अपनी बातें सबकी सुनो मैं कह रहा हूं उसे भी सुनो और गुरु कहते हैं उसे भी सुनो और कोई संत कह रहा है उसको भी सुनो लेकिन निबेरा आपको अपने हाथ से करना है आपको विचार करना है मैं कह रहा हूं उसको को तो नहीं मान लेना है आपको विचार करना है कैसे बोलना है कैसे खाना है कैसे पीना है कैसे चलना है आखिर ये कह रहे सच है कि नहीं है और मैं तो समझता हूँ मैं कोई गुमराह वाली बात नहीं कह रहा हूँ लेकिन आप भी विचार करिएगा इस पर जो बात कह रहा हूं उस पर भी इसलिए आपस में प्रेम सबसे बड़ा सूत्र है प्रेम से आपस में रहना है घर में देरान और जेठान का रिश्ता है उनको ऐसे निभाना है ऐसे निभाना है कि आपस में लगे कि ये देरान जेठान नहीं बान और दीदी की तरह रहते हैं देरान जिठान का रिश्ता खत्म कर दो कभी कुछ हो गया तो समझौता हो जाए तुमने ऐसे कहा माफ़ी मांग लो जिनकी गलती नहीं हो भी माफ़ी मांग लो क्या बड़ा क्या नुकसान हो जाता है माफ़ी मांगने बड़ा बनना सहज नहीं होता है बड़ा बनने के लिए बहुत मशक्कत करना पड़ता है दाल को पहले भिंगाया जाता है उसके बाद में उसको इतना रगड़ करके धोला जाता है कि उनका छिलका ही निकल जाता है सोचिए इतना रगड़ दिया जाता है उसको उसको छिलका निकल जाता है और छिलका निकलने के बाद में उस दाल को मसल दिया जाता है सिलबट से लोग पत्थर से तो वो पीस जाता है पीसने के बाद में उसको गर्म तेल में डाला जाता है तब कहीं बड़ा बनता है बड़ा सहज नहीं बना जाता है जीवन में हम आत्म शांति को प्राप्त कर सकते हैं ये पता नहीं चलता है सुख कहीं बाहर दिखाई देता है सुख और शांति आदमी बाहर ढूंढते हैं मंदिर में मस्जिद में काबा में कैलाश में ना जाने कहां कहां यात्रा करता है बाहर नहीं दूध में घी है वो समझ में बात नहीं आती है दूध में घी है हमारे जीवन में शांति का स्रोत है हम चैन से एक बेहतरीन जीवन जी सकते हैं चीज है लेकिन समझ में नहीं आती है जब हम प्रयास करते हैं तब दूध में घी है वो स्पष्ट नहीं दिखता है घी है वहां तो क्या करना पड़ता है दूध को पहले पकाया जाता है पका करके उसमें से मक्खन निकाला जाता है और मक्खन निकालने के बाद में उसे गरम आग में डाला जाता है और उतना उबाला जाता है इतना उबाला जाता है कि उसमें से मक्खन और खट्टासपन खत्म हो जाए शुद्ध घी के रूप में बचे तब कहीं घी दिखाई देता है हमारे जीवन में ठीक इतना ही मेहनत करना पड़ेगा एक गुरु के पास में एक शिष्य जाता है और शिष्य जा करके पूछता है ये जीवन का महत्व तो क्या है गुरुदेव जी बताएंगे गुरुदेव जी कहते हैं बेटा ये बात तो पहले छोड़ दो तुम जीवन का महत्व तो कितना है मैं एक काम करना मैं तुमको एक पत्थर दे रहा हूँ इसका जितना अधिक से अधिक जगह हो सके इस पत्थर का मूल्य पूछ करके आना तो तुमको जीवन का मूल्य भी बाद में समझ में आ जाएगा गुरुदेव जी ने एक उनको पत्थर दिया इतना बड़ा पत्थर और पत्थर दिया सबसे पहले व्यक्ति घर से ही निकलता है वैसे उनको एक कबाड़ वाला व्यक्ति मिलता है जो लोहा टीपा लेता है उनको पूछता है भैया इस पत्थर को ले लोगे क्या कितना दे गो इस पत्थर का भैया ये तो पत्थर है लेकर के क्या करूंगा लेकिन कह रहा तो ले सकता हूं क्योंकि पत्थर चमकदार तो दिख रहा है मुझे अच्छा लग रहा है मैं इसका तुमको तुमको दो किलो का दो किलो का रेट लगा करके दो किलो का पत्थर होगा मैं तुमको चालीस रुपया लोहे के भाव से इसको रख लेता हूँ पत्थर है लेकिन लोहे के भाव से रख लूंगा दे दो कहते हैं भैया मैं मूल्य लगा रहा हूँ बेच नहीं रहा हूँ थोड़ा दूर जाता है देखता है एक सब्जी बेच रहा है सब्जी वाले के पास जाता है कहते हैं भैया इस पत्थर का क्या रेट लगाओगे मुझे बता सकते हो कहते हैं भैया अगर दोगे तो मैं इस पत्थर के बल तुमको दो किलो टमाटर दे दूंगा दो किलो टमाटर समझ में आया महंगाई का जमाना था बीस रुपये से चालीस रुपये किलो है तो अस्सी रुपये का हो गया उसके, उसके बाद में व्यक्ति एक दुकान में जाता है जहां चांदी बेच रहा है चांदी वाले के पास जाता है दो किलो का पत्थर दिखाई दिया भैया इस पत्थर का क्या रेट लगाओगे दुकानदार से पूछता है समझता है दुकानदार ये आदमी नहीं जान रहा है पत्थर नहीं दूसरा चीज है कहते हैं भैया इसका तुम बीस हजार रुपया ले लो और पत्थर दे दो कहते हैं उनको आश्चर्य हुआ बीस रुपया का चालीस गया चालीस का बीस हजार हो गया फिर तीसरा दुकान में जाता है तीसरा दुकान में जाता है एक सुनार का दुकान मिलता है बड़ा दुकान मिलता है वहां पूछते हैं भैया इस पत्थर का क्या रेट लगाओगे कहते हैं भैया तुम दोगे तो दे दो इसका मैं तुमको दो लाख रुपया देता हूं एक जीरो बढ़ता चला जा रहा है कहा बीस रुपया से दो लाख तक पहुंच गया दे दो कहते हैं नहीं देता है फिर एक बड़ा दुकान में जाता है एक बड़ा दुकान में जाता है वहां पूछते हैं भैया इस पत्थर का क्या रेट लगाओगे जहां हीरा बिकता था वहां चला गया वो हीरा बिकता था वहां चला गया उनसे पूछता है भैया इस पत्थर का क्या रेट लगाओगे कहते हैं तुम देना चाहते है तो दे दो इस पत्थर का तुमको मैं दो करोड़ रुपया दूंगा कहते हैं वो पत्थर नहीं देता है फिर एक जगह जाता है एक दुकान में जाता है फिर पूछता है बड़ा दुकान देखा हीरा शुद्ध लिखा था यहाँ हीरा खरीदा और बेचा जाता है वहां जाकर के पूछता है भैया इस पत्थर का क्या रेट लगाओगे और दुकानदार कहते हैं इस पत्थर को तुमको किसने दिया कहते हैं मेरे गुरुदेव ने दिया है कहे इस पत्थर का कोई मूल्य नहीं आका जा सकता है इस पत्थर का पूरा इलाका बेच करके तुमको संपत्ति दे दिया जाए तो भी इस पत्थर के लिए इस, इसका पैसा कम पड़ जाएगा इसका कोई मूल्य नहीं है गुरुदेव जी के पास जाता है और वह पत्थर दे देता है पूछता है बेटा क्या रेट मिला इस पत्थर का पूरा घटना शुरू से बताता है गुरुदेव जी बीस से चालीस गया चालीस से बीस हजार गया बीस हजार से दो लाख गया दो लाख से दो करोड़ गया और दो करोड़ से इस पत्थर का कोई मूल्य नहीं आका गया गुरुदेव जी इस पत्थर के लिए कोई मूल्य ही नहीं लगा सकता बोल दिए गुरुदेव जी कहते हैं बेटा ठीक जीवन का इतना ही मूल्य है यदि तुम शराबी के पास में जाते हो तो एक बोतल शराबी के मूल्य लगता है तुम्हारे जीवन का और यदि तुम एक होटल में जाते हो तो एक प्लेट होटल का लगता है गांजा वाले के पास जाते हो तो एक गांजा का दम लगा सकते हो इस जीवन का मूल्य इतना मिलेगा एक जुआ खेलने वाले के पास जाओगे तो जुआ खेलने के दो चार हजार रुपया का दाव लग सकता है तुम्हारे जीवन का लेकिन एक संत के पास जाते हो जो आत्म उद्धार करता है आत्म कल्याण की बात बताता है जो जीवन को निर्वाण की ओर ले जाता है जो जीवन के अंतिम कड़ी तक पहुंचाता है जिसके जहां जाने के बाद में कोई रास्ता ही नहीं बचता है अंतिम रास्ता वही होता है बेटा इस जीवन का इतना मूल्य है इसका पैसा से नहीं आका जा सकता है ठीक ऐसे ही हमारे जीवन का मूल्य है और इस जीवन का मूल्य हम नहीं समझ रहे हैं इसलिए पड़ोसी से लड़ रहे हैं भाई से लड़ रहे हैं से लड़ रहे हैं जेठान से लड़ रहे हैं क्या जो जीवन के मूल्य को समझेगा वो किसी से लड़ेगा किसी को वचन बोलेगा किसी को कर कर की आवाज बोलेगा नहीं बोलेगा कोयल की आवाज सबको प्यारी लगती है लेकिन कौवे की आवाज़ कोई पसंद नहीं करते हैं दो बार कर कर कुला बोल कौवा बोलता है लोग भगा दिया करते हैं मीठा बोलना है धीरे बोलना है संयमित बोलना है प्रेम से बोलना है उत्साह के साथ बोलना है और जीवन में एक अंतिम सूत्र देना चाहता हूँ कि आप मुस्कुराना सीखिए आप घर के सदस्यों को देखिए मुस्कुरा दीजिए बच्चों को देखिए मुस्कुरा दीजिए पत्नी को देखिए मुस्कुरा दीजिए पति को देखिए मुस्कुरा दीजिए माँ बाप को देखिए मुस्कुरा दीजिए मुस्कुराना तो मुस्कुराने से यदि शरीर में कोई बीमारी हो तो आधा बीमारी ऐसे खत्म हो जाती है कोई आदमी पीड़ित हो बहुत और उनको एक ऐसा आदमी मिला जब भी देखता था तो मुस्कुराता था तो मुस्कुरा देगा उनको लगेगा नहीं मुस्कुराना है दर्द है शरीर में पीड़ा है पर भी वो सामने वाले व्यक्ति को देखेगा तो मुस्कुराएगा वो क्योंकि उसका तरीका ही वही है तो आधा पीड़ा उनको ऐसा खत्म हो जाएगा इसलिए मुस्कुराना सीखिए गाल फुला करके जिंदगी जीने से अच्छा तो है मुस्कुराना कितने लोगों से गाल फुलाएंगे ज्यादा गाल फुलाते फुलाते एक दिन ऐसे आएगा कि इस तरह से पचक जाएंगे उठ भी नहीं पाएंगे <laughs> फिर किसी के सामने चेहरा दिखाना नहीं चाहेंगे हम क्योंकि सबके साथ तो द्वेष हो गया उनसे द्वेष, उनसे द्वेष, उनसे द्वेष अब उन उन किसके सामने जाए किनसे बात करें इसलिए प्रेम से जीना है प्रेम ही एक ऐसा मार्गदर्शन है जिसके बदौलत हम परिवार को जोड़ते हैं प्रेम ही एक ऐसा शिक्षा है जो कि समाज को जोड़ता है परिवार को एकजुट बना करके रखता है और पूरा देश को जोड़ करके रखता है और प्रेम ही एक ऐसा माध्यम है जो कि पूरा विश्व को बांध सकता है प्रेम में इतनी शक्ति है प्रेम में इतनी शक्ति है कि जन्म के दुश्मन जानवन को भी प्रेम के पाठ पढ़ाया जाता है उदाहरण बताऊं जब मदारी खेल दिखाता है तो करता क्या है सांप और नेवले के एक पिंजड़ा से निकालता है और एक पिंजड़े से निकालता है सांप और नेवला एक दूसरे से कटिबद्ध हो जाते हैं खूना खून हो जाते हैं सबके शरीर दोनों के शरीर से खून बह रहा है लेकिन मदारी क्या कहता है बेटा बस करो अब बंद करो तुम एक जगह बैठ जाओ मदारी इतना प्यार से बोलता है चुपचाप वहीं बैठ जाता है एक जगह जाकर के ये प्रेम की परिभाषा है जो जन्म के दुश्मन है सांप और नही उसको भी ये सिखा दिया उधर से चूहा और बिल्ली आता है और चूहा और बिल्ली आता है दोनों एक दूसरे में कटिबद्ध हो जाते हैं कुन है। लेकिन मदारी कहते हैं बस करो बेटा अब इतना ही चुपचाप बैठ जाता है इधर से कुत्ता और भालू आता है वो भी एक दूसरे से कट मरते हैं लड़ते हैं लेकिन मदारी कहते हैं बस करो बेटा आज इतना ही काफी है जो जन्म के दुश्मन है उसको भी मदारी ने प्रेम की परिभाषा में बदल करके एक जगह रहना सिखा दिया जो खूंखार जानवर है शेर चीता भालू बाघ उसको भी सर्कस वाले सर्कस दिखाते हैं तो एक आदमी के ऊपर बैठने कहता है शेर बैठ जाता है कुछ नहीं करता है बेटा बैठ जाओ कहते हैं बैठ जाता है भालू एक दूसरे के शरीर को पूरा बैठ जाते हैं उसके ऊपर कुछ नहीं करता है चीता भी कुछ नहीं करता है ये प्रेम की परिभाषा है किसी भी परिवार को बदला जा सकता है तो प्रेम से अहंकार से नहीं प्रेम से कितना भी आदमी बिगड़ा हुआ हो उसको समझाया जा सकता है प्रेम से कोई आदमी कितना भी नफरत किया जा करता हो उसको अपने प्यार के परिभाषा से बदल सकते हैं वो हमसे बात करना चाहेगा फिर वो प्यार और प्रेम में इतनी शक्ति है इसलिए प्यार से जीना है प्रेम से जीना है उत्साह से जीना है और एक जीवन का आनंद लेना है मरी मरी जिंदगी नहीं जीना है एक दूसरे के साथ इतना अच्छा व्यवहार हो कि किसी के लिए सिकवा और शिकायत ना हो मैं काफी देर से आप लोगों के बीच में कुछ कहने का प्रयास किया बस आप लोगों को जो बातें कही वो बात ध्यान दीजिएगा और नए शुरुआत करिएगा अच्छा एक और सूत्र याद आएगा कि आप घर में बच्चों को संस्कार देना चाहते हैं सभी के घर में तो बच्चों को संस्कार देना चाहते हैं तो एक शुरुआत करिएगा कि बिस्तर से उठने के बाद में आपके सामने जितने बड़े बुजुर्ग दिखते हैं सबका चरण स्पर्श करिए बड़े बुजुर्ग जितने दिखते हैं उनका सबका चरण स्पर्श करिए और कल से शुरू कर दीजिए आप लोग क्योंकि अचानक कोई दिन शुरू करेंगे तो कहेंगे आज बहू को क्या हो गया है पैर छू रही है ऐसे कहेंगे लेकिन आज से कल से शुरू करेंगे तो कहेंगे साहेब कहें इसलिए तो कल से आप शुरू कर दीजिए इससे फायदा क्या होगा आपके बच्चे सीखेंगे और बच्चे को कहेंगे बेटा सबका प्रणाम करो प्रणाम करेंगे आप कभी कभी देखते हैं जब घर में कोई मेहमान आते हैं और आप पहले से चरण स्पर्श कर लिए हैं और आपके बच्चे नहीं देखे और उसके बाद आप बच्चे को कहते हैं बेटा इसका प्रणाम करो ना नहीं करता है लेकिन तुम करके आप, आप करके दिखाते हैं उसको तो बे, उस आपका बेटा तुरंत टपाक से प्रणाम करता है क्योंकि वो देखना चाहता है वो आपसे करके सीखता है वो आपके बोलने से नहीं सीखेंगे उतना ज्यादा आपके करने से सीखता है बच्चा इसलिए बच्चे को संस्कार दे प्यार से बोलेंगे तो आपके बच्चे आपसे प्यार से बोलेंगे आज यदि माँ बाप का सम्मान आज आप करते हैं तो कल के दिन में भी आप सास बहू सास बनेंगे आप कल के दिन में आप एक बाप बनेंगे तो आपके बच्चे भी आपके बेटे बहू भी आपको आदर और सम्मान देंगे इसलिए बच्चों को एक सूत्र सिखाइए कि बिस्तर से उठने के बाद में प्रणाम करें जिसके साथ आप बात नहीं करते हैं उसका भी प्रणाम कर लीजिए कोई बुरा नहीं होगा कितने दिन चलेगा एक दिन बोल ही पड़े, 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 पड़े आप आ, रोज प्रणाम ना, करते रहेंगे ना तो, तो एक दिन बोल, बोल पड़ेंगे पड़े, खुश रहो करके बोल ही पड़ेंगे जोर। 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 कब तक गाल फुलाए रहेंगे इसलिए गाल फुलाने से बात नहीं करने से बात बिगड़ जाती है बात बनती नहीं है एक कहानी घटना और याद आ गई एक पति पत्नी आपस में रोज लड़ते थे आपस में रोज लड़ते थे पति पत्नी में बात बंद हो गई बात बंद हो गई तो, तो कोई भी काम होता था लिख करके काम होता था लिख करके काम होता था तो वो कहते थे कोई भी काम करना होता था तो पत्नी उनके बिस्तर में लिख करके छोड़ देते थे आलू खत्म हो गया है प्याज खत्म हो गया है सब्जी खत्म हो गया है ला देना ए जी कल मुझे शॉपिंग मॉल जाना है मुझे ले जाना लिख देते थे और तैयार रहता था उनके पति को कोई जरूरत पड़ता था तो भी लिख देते थे ए जी मैं इतने बजे मैं अपने ड्यूटी में जाऊंगा मेरे रिलेटिव पिन तैयार कर देना वो भी वैसे चल रहा था पंद्रह दिन चला बीस दिन चला एक दिन हुआ क्या पति को सुबह सुबह का ट्रेन पकड़ना था पांच बजे का और पांच बजे का ट्रेन पकड़ना था और उनको दस बजे ड्यूटी ज्वाइन करना था तो अपने पत्नी को बिस्तर में सोते समय लिखते हैं ए जी मुझे कल सुबह पांच बजे ट्रेन पकड़ना है मुझे सुबह चार बजे उठा देना और मुझे चार, चार बजे, बजे उठ करके पांच बजे, बजे ट्रेन पकड़ना है इसलिए उनकी पत्नी दिखती है कि पति जी क्या लिखे हैं देख लेती है सो जाती है सुबह जैसे चार बजता है वैसे उनकी पत्नी, पत्नी उठती है और पत्नी उड़ती है और कागज और कलम लेती है और लिख देती है ए जी सुबह के चार बज गए हैं आप उठ जाओ और फिर से सो जाती है जब रोज की आदत है सात बजे आठ बजे उठने की उठते हैं देखते हैं घड़ी को उजाला हो गया है बिस्तर में ही गाली देना शुरू कर देते हैं मुझे कहा था उठाने के लिए उठाए नहीं इतना गुस्सा करके गाली देना शुरू है लेकिन जैसे उठ करके बैठता है देखता है कागज में लिखा हुआ है ए जी सुबह के चार बज गए हैं उठ जाओ शर्मसार हो जाता है बेचारा चुप हो जाता है ये कहानी है नहीं बात करने की इसलिए प्यार से बात करना है कोई गलती हो गई तो समझा देना है समझाने की हिम्मत रखना है हौसला रखना है छोटे से भी गलती हो तो समझा दो बड़े से भी गलती हो तो बता दो कभी गलती नहीं है अवसर लगता है कि मेरे माफ़ी मांगने से गलती नहीं है पर भी मेरे माफ़ी मांगने से समाज की एकता बने रहेगी परिवार की एकता बने रहेगी आपस में प्रेम बना रहेगा तो गलती नहीं है पर भी कभी कभी माफ़ी मांग लेने से क्या बुरा है हमारा समाज का विकास होगा परिवार का विकास होगा बच्चे को अच्छा संस्कार मिलेंगे इससे बढ़कर करके और क्या चाहिए इसीलिए तो जीते हैं प्रेम से जीना है करके बस इसलिए प्रेम के सूत्र में सुख से जीने का यही तरीका है मैंने शुरुआत किया था सुख से कैसे जिए और सुख से जीने का यही तरीका है आपस में प्रेम प्रेम जितना बांटेंगे प्रेम को जितना ही परोसेंगे उतना ही पड़ता चला जाएगा और उतना ही आप उत्साह की जिंदगी जीते चले जाएंगे बोलिए सदगुरुदेव की जय